दोस्तों आइए हम जानते हैं आज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है। यह एक प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों को काटकर और जलाकर भूमि को साफ किया जाता है, तत्पश्चात उस राख को मृदा में मिला दिया जाता है। इस प्रकार की फसल पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होती है। जब तक इस मिट्टी में उर्वरता विद्यमान रहती है, इस भूमि पर खेती की जाती है। इसके पश्चात इस भूमि को छोड़ दिया जाता है जिस पर पुनः पेड़ पौधे उग जाते हैं। इसलिए इस एग्रीकल्चर को शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्थानांतरित कृषि या कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं। अलग अलग देशों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे उत्तरी पूर्वी भारत में इसे झूम कृषि कहते हैं, वहीं श्रीलंका में इसे चेना कहते हैं, मैक्सिको में मिल्पा, ब्राजील में रोका तथा मलेशिया में लदांग के नाम से जाना जाता है।